आर एंड एस कन्फिग्रेशन्स कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि जब हम कोई स्ट्रक्चर डैश एंड वेज फार्मूला से ड्रा करते हैं उसमें हम कैसे आर और एस कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं आज हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हम इस तरह से बनाते हैं ना एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जैसे अगर मैं ग्लिस्टर डिहाइड के, के केस में इस तरह से मैं ड्रा करता हूं यह कौन सा आइसोमर था इसका ये इसका डी आइसोमर था डी आइसोमर ऑफ ग्लिसरल डिहाइड या जिसको हम कहते हैं डी ग्लिसरल अब देखो ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है लेकिन असल में जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है अब इस इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम थ्री डी में कैसे देखते हैं एक और एक रिप्रेजेंटेशन मैंने कल भी आपको बताया था एक और रिप्रेजेंटेशन अब आप देखो ये सेंटर में आ गया कार्बन अभी जो राइट right साइड की तरफ जो ग्रुप है ना इसमें ओ एच ग्रुप उसको मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूं और जो लेफ्ट साइड की तरफ है उसको ऐसे ड्रा कर सकता हूँ बताओ मुझे ये जो दो ग्रुप्स मैंने ड्रा किया लेफ्ट और राइट साइड पर ये किस तरफ है प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर से किस तरफ है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यस अबव द प्लेन ऑफ पेपर या क्या हम कहेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमारी तरफ है ठीक और ये जो वर्टिकली अरेंज्ड ग्रुप जो है हाँ मतलब अपवर्ड्स और डाउनवर्ड जो ग्रुप हैं दे आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या हम कहेंगे बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड ठीक है इस तरह से ये एक थ्री डायमेंशनल व्यू हमें मिल गया अब हम ऐसे बनाते नहीं है ये हमने सिर्फ कंसिडर करना है फिशर पोजिशन फॉर्मूला तो ये है इसमें आप देख लो ये जो एल्डीहा सी एच ओ और जो बॉटम पर सी एच टू ओ एच ग्रुप है जो हॉरिजेंटल है यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं दीज आर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब हमारी तरफ है अब कल मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हम जिस वक्त हम आर और एस कंफिग्रेशन असाइन करते हैं तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ठीक है अगर वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम देखते हैं अपनी आई को रोटेट करके फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड टू थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हम देखते हैं ना वन टू थ्री फोर हम देखते हैं फोर शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और फिर हम देखते हैं हमारी आई को रोटेट करके कहाँ से फ्रॉम द टॉप प्रायोरिटी ग्रुप वन टू सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप देन टू थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप और उसमें हम देखते हैं कि हमारी आई का रोटेशन कैसा हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर वो क्लॉकवाइज हुआ तो हम कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं आर और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं एस ठीक है तो अब हम जरा देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं देखो इसमें आ, सबसे पहले तो आपने प्रायोरिटी असाइन करनी है सबसे पहला रूल तो वही है आप प्रायोरिटी असाइन कर दो वन टू थ्री और फोर ये प्रायोरिटी आपने दे दी और वो प्रायोरिटी किस बेसिस पर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर वो सारे रूल्स आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं जिनको हम सीक्वेंस रूल्स भी कहते हैं है ना उसके बाद इफ द इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट द टॉप और बॉटम एट द टॉप जो ग्रुप है वो भी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है और जो एट द बॉटम है वो भी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो अगर इन दोनों में से किसी जगह पे लोएस्ट ग्रुप है फिर हम क्या करेंगे हम सिंपली अपनी आई को रोटेट करेंगे फ्रॉम वन टू टू एंड टू टू थ्री और देखेंगे कि हमारी आई की रोटेशन आई का रोटेशन मतलब होता है हमारी नजर का रोटेशन अगर हमारी आई का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे ये आर आइसोमर है या इसकी कन्फिग्रेशन आर है और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो तो उस केस में कन्फिग्रेशन आ जाएगी एस ठीक है क्लियर है ना ये पॉइंट दूसरी शर्त है इफ इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ग्रुप इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब नंबर फोर इज एट राइट और लेफ्ट पोजिशन तो उस केस में हमने क्या करना है क्योंकि राइट right या लेफ्ट पोजीशन पर जो ग्रुप्स हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो नहीं है दे आर एट आर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर फिर हम क्या करेंगे हम फिर से देखेंगे हम फिर से क्या करेंगे अपनी आई रोटेट करेंगे फ्रॉम वन टू 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 थ्री और जो कंफिग्रेशन हमें हासिल होगी उस कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज कर देंगे उस कन्फिग्रेशन को हम चेंज कर देंगे मतलब अगर हमें आर कॉन्फ़िगरेशन मिली तो उसको हम एस में कन्वर्ट कर देंगे और अगर हमें एस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो उसको हम आर में कन्वर्ट करेंगे ओके okay? सिंपल रूल्स हैं ये ये सब हमने कैसे डिसाइड करना है हमने देखना है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब नंबर चार ग्रुप पर है अगर वो टॉप पे या बॉटम पर है तो हम सीधा वन से टू टू से थ्री अपनी आई रोटेट करेंगे और जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी क्लॉकवाइज मिले तो आर एंटी क्लॉकवाइज मिले तो एस लेकिन अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर राइट right या लेफ्ट पर है तो उस केस में हम जो कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेंगे वन से टू टू से थ्री जाने में उस कॉन्फ़िगरेशन को हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मानेंगे उसको हम चेंज करके कन्फिग्रेशन असाइन कर देंगे ये पॉइंट क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए अब हम अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर करेंगे जैसे डी ग्लिसरल डिहाइड का केस में ले लेता हूं सबसे पहले ये रहा डील ठीक है इसमें आप जानते हैं ओ एच इज ऑन द राइट साइड एच इज ऑन द लेफ्ट साइड अब आप मुझे बताओ सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें सबसे पहले जो कारल कार्बन के ऊपर कार्बन ये रहा ना सेंटर में कायरल कार्बन के ऊपर जो चार ग्रुप्स हैं उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे बताइए नंबर वन प्रायोरिटी किसको मिलेगी जो ग्रुप्स हमारे पास है वो है एक ग्रुप है सी एच ओ दूसरा है ओ OH, एच तीसरा है सीएच टू ओ एच और चौथा है एच आप बताओ इनमें से नंबर वन प्रायोरिटी किसको मिलेगी नंबर वन प्रायोरिटी मिलेगी ओ OH एच ग्रुप को ठीक है ओ OH एच में ऑक्सीजन है ना जुड़ा हुआ कैरल कार्बन के साथ ऑक्सीजन नंबर टू पे अब आपने डिसाइड करना है एल्डिहाइडिक ग्रुप और सी एच टू ओ एच ग्रुप के बीच में तो बताइए जरा अच्छे से देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप में पहला एटम कार्बन है और जो बॉटम पर ग्रुप है सी एच टू ओ एच वहां पर भी कार्बन है सबसे पहला एटम तो दोनों में कार्बन है फिर हमने फिर हमने कार्बन के बाद जो तो नेक्स्ट नेक्स्ट है है उसको देखना है। कार्बन के बाद देखो हाइड्रोजन तो है दोनों जगह लेकिन लेकिन हाइड्रोजन का एटमिक नंबर भी सेम है ना आप देखो पहले जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ज्यादा किनका है ऑक्सीजन का मैं ऐसे जरा बना लेता हूं यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे होता है एल ग्रुप इस तरह से है सी डबल बॉन्ड ओ एच और जो बॉटम पर आपके ग्रुप है वो है सी एच टू ओ एच जरा गौर से देखो कार्बन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन दोनों जगह है लेकिन एक केस में डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन दूसरे में सिंगल बॉन्डेड है अब मुझे बताओ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के केस में ज्यादा प्रायोरिटी होगी या फिर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के केस में सीक्वेंस रूल्स क्या कहते हैं सीक्वेंस रूल्स कहते हैं डबल डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक टू सिंगल बॉन्ड्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसका मतलब हमने ऐसे मानना है जैसे कि इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और अब देखो जरा एल्डिहाइडिक ग्रुप में हमने माना कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है जबकि बॉटम वाले ग्रुप के ऊपर कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है उसको हमने एक ही मानना है अब मुझे बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ गई? एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा आ गई क्यों क्योंकि दो ऑक्सीजन जुड़े हैं कार्बन के साथ ये हमने एज्यूम करना है डबल बॉन्ड तो फिर सी एच ओ ग्रुप को मिलेगी सेकेंड प्रायोरिटी और सी एच टू ओ एच को मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी हाइड्रोजन को तो हमेशा ही लास्ट प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है ओके okay. अब ये तो हो गया वन टू थ्री फोर हमने दे दिया अब मुझे बताओ यहां पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर है लेफ्ट साइड पर है ना आप बताओ क्या करेंगे हम एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है यहां पर हमने सिंपली रोटेट करना है वन से टू जाना देखो वन से टू हम ऐसे गए टू से थ्री हम ऐसे आ गए ओके कैसा हमारी आई का रोटेशन कैसा हुआ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये कैसा क्लॉकवाइज है अब इतना करने के बाद आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वाइज में गड़बड़ करोगे तो फिर तो होगी बन गई बात ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब मतलब हमें एस मिला तो बताइए क्या एस क्या एस ही कॉन्फ़िगरेशन है नहीं ये आर अरे डी कहा क्या बात कर रहे हो डी कहाँ से आ गया इधर बीच में डी तो ये था यस डी ये था वो तो हम जानते हैं डी था ये डी ग्लिसल डिहाइड ही मैंने लिया था मैंने यहाँ पर एस और आर कहना है तो चूंकि यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है लेफ्ट साइड पर तो इस केस में जो हमें वन से टू टू से थ्री जाने में जो कन्फिग्रेशन मिलेगी हमने उसको चेंज कर देना है। हमें एस मिला क्योंकि एंटी क्लॉक मिला वन से टू टू से थ्री तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हमें एस मिला लेकिन हम एस नहीं लेंगे ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन क्या है वो आर है सो so, जो डी ग्लिसरल डिहाइड है उसकी कॉन्फिगरेशन बनती है आर तो मुझे बताओ जो एल ग्लिसरल डिहाइड था उसकी क्या कॉन्फिगरेशन बनेगी अब जाहिर सी बात है उसकी कॉन्फिगरेशन तो ऑपोजिट होगी होगी ना अगर आप देखें चेक करें वैसे भी आपको मिल जाएगा लेकिन आप, आप ऐसे जुबानी भी बता सकते हैं कि जो एल गल डिहाइड है उसकी कंफिग्रेशन एस आ जाएगी चलो बना लेते हैं एक बार सी एच ओ आ गया टॉप पर सी एच टू ओ एच आ गया बॉटम पर फिर लेफ्ट और राइट पर क्या है लेफ्ट साइड पर यहां पर आएगा ओ एच राइट right साइड पर आ जाएगा एच ठीक है यह है कौन सा ग्लिसरल डिहाइड दिस इज एल ग्लिसरल डिहाइड अब इसमें फिर से हम वैसे ही चलेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे ओ एच ग्रुप को मिलेगी नंबर वन प्रायोरिटी, एल ग्रुप को मिलेगी नंबर टू सी एच टू ओ एच को नंबर थ्री और हाइड्रोजन को नंबर फोर आप क्या करेंगे आप देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यहाँ पर राइट right साइड पर तो लेफ्ट और राइट के लिए क्या रूल था कि हम वन से टू में जाएंगे टू से फिर थ्री में फिर थ्री से फिर वापस वन में तो कैसा रोटेशन हो रहा है हमारी आई का हमारी नजर का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है मतलब उसके हिसाब से आर मिलेगा तो क्या आर ही ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है नहीं इसको हमें चेंज करना है चेंज क्यों करना है बिकॉज द लोवेस्ट प्री ग्रुप इज ऑन द राइट हैंड साइड तो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन जो इसकी आ जाएगी वो होगी एस ओके okay. अब मैं एक यहां पर एक कार्बन के अराउंड अरेजमेंट बताऊंगा आपको और आपने कहना है कि ये आर है या एस है ये नोट कर लिया चलो मैं आगे बताइए इस मॉलिक्यूल की क्या कन्फिग्रेशन है आर या एस इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है ठीक है आर कॉन्फ़िगरेशन है प्रायोरिटी बताओ जरा प्रायोरिटी नंबर वन किसको दी आपने हाँ नंबर वन प्रायोरिटी क्लोरीन को मिली ठीक वन नंबर टू नंबर टू इथाइल ग्रुप नंबर थ्री मिथाइल ग्रुप और नंबर फोर आ गया हाइड्रोजन फिर आपने क्या किया वन से टू टू से थ्री चलो वन से टू टू से थ्री फिर थ्री से फिर वन कैसा रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द आई और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब आर कन्फिग्रेशन इस आर इस आर को हमने चेंज नहीं किया क्यों नहीं किया यस yes, बिल्कुल लोवेस्ट ग्रुप इज एट द टॉप टॉप या बॉटम पर अगर हो या वर्टिकल अगर हो वर्टिकल है ना दोनों ये टॉप और बॉटम मींस वर्टिकल पोजीशंस अगर वर्टिकल पोजीशन पर लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप हो तो जो कन्फिग्रेशन हमें मिलेगी वही ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है तो इसलिए इस मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन आ गई आर देखो कन्फिग्रेशन जो है ना वो असल में हम देख रहे हैं अराउंड द कारियल कार्बन ये जो कंफिग्रेशन है कंफिगुरेशन गिव्स द कन्फिग्रेशन इन दिस केस मींस द रिलेटिव अरेजमेंट रिलेटिव अरेजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप्स around the chiral carbon तो जब हम कहते हैं ना कि आर कॉन्फिगरेशन तो हम कहते हैं आर कॉन्फिगरेशन अराउंड द काइरल कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा काइरल कार्बन होंगे हो सकते हैं ना एक मॉलिक्यूल में जैसे अभी तक जो केसेस हमने डिस्कस किए कल भी और आज भी उसमें एक कायरल कार्बन था एक मॉलिक्यूल में लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो उस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते पूरे मॉलिक्यूल को हम आर या एस नहीं कह सकते हम उस केस में हर कायरल कार्बन के अराउंड अपनी अपनी कंफिग्रेशन असाइन करेंगे ओके सपोज मैं एक केस यहाँ पर डिस्कस करूंगा हालांकि उतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है इस तरह से देखिये इस मॉलिक ये भी फिशर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं दो कारियल कार्बन है बताइए जरा कौन कौन से कारियल कार्बन है हाँ बिल्कुल जो बीच में है एक तो मतलब जो ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों कार्बन है ना फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जहां पर ये लाइंस क्रॉस होती हैं वो असल में एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास दो कार्बन है उन दो कार्बन एटम्स को मैं यहाँ पर लेबल कर लेता हूं ठीक है ये वन और टू याद रखें ये कोई आई यू नेमिंग वाला वो नंबर नहीं है ये मैंने सिंपली दो एटम्स को नंबर दिया वन और टू ताकि हमें पता चले कि ये दो एटम जो हैं दे आर एटम्स अब मैं तो कार्बन नंबर वन को देखता हूं ठीक है इस वन के अराउंड आपके पास कितने ग्रुप्स ग्रुप्स हैं? चार हैं। अब मैं इस वन को अलग से ड्रा कर लेता हूं। यहां पर देखो मैंने ये वन ड्रा कर लिया देखो जरा इस वन के साथ इस वन के ऊपर कौन सा ग्रुप है सी इसके राइट साइड पर कौन सा ग्रुप है ओ OH. एच इसके लेफ्ट साइड पर कौन सा ग्रुप है एच और इसके बॉटम पर कार्बन ग्रुप है क्या कार्बन तो एक एटम है इसके बॉटम पर हाँ एक कार्बन है उस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन भी है एक इथाइल ग्रुप भी है और एक क्लोरीन भी है ये पूरा एक ग्रुप बन गया ये देखो ये जो है ना ये पूरा एक ग्रुप बन गया अब बिल्कुल है एक ग्रुप तो क्यों नहीं मानना है? हमने यहाँ पर हम खाली हम खाली कार्बन नंबर वन को अभी कंसिडर कर रहे हैं ना तो हमने हमने जब उस पर कंफिग्रेशन देनी है तो हमने इसको एज ए ग्रुप कंसिडर करना है ताकि हम इसको प्रायोरिटी दे सके अब आप मुझे बताओ इस कार्बन नंबर वन पे आपके जो चार ग्रुप्स हैं, उनको आप मैं थोड़ा ऐसे सर्कल कर लेता हूं सबको ये रहे इसके ऊपर चार ग्रुप्स अब मुझे बताओ इनमें से किस ग्रुप को हाइस्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्यों पता नहीं चल रहा क्यों पता नहीं चल रहा है किस किस को हां मैंने जो बताया था आप अगर वो सारा अप्लाई करेंगे इजीली पता चल रहा है और कोई बताओ और कोई बताओ यस अरे बाकी लोग भी मुंह खोलो ये दो कंपाउंड जो आपके स्क्रीन पर है दो नहीं एक ही कंपाउंड है इसमें आप देखो ये जो कार्बन नंबर वन है ना इसके अराउंड चार एटम्स या चार ग्रुप्स हैं जिनको मैंने एनसर्कल किया हुआ है ठीक है आपने इनको प्रायोरिटी देनी है बताओ मुझे नंबर वन प्रायोरिटी किसको देंगे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी बताओ याद रखो हमने प्रायोरिटी कल पढ़ी थी कैसे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमने कहा था ओएच को मिलेगी नंबर वन प्रायोरिटी प्रायोरिटी ठीक है अरे इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं आप क्यों इसको कंफ्यूज कर रहे हो आपने देखना है कारल कार्बन के साथ जो पहला एटम जुड़ा है वो क्या है देखो जरा राइट साइड वाले ग्रुप में पहला एटम कौन सा है ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर तो बेचारा हाइड्रोजन है उसको तो पहले से हम आंखें बंद करके नंबर चार दे देंगे प्रायोरिटी लोवेस्ट ओ एच में ऑक्सीजन है जो टॉप पर ग्रुप है उसमें क्या है सबसे पहला आइटम कार्बन जो बॉटम पर ग्रुप है उसका कौन सा आइटम है सबसे पहले कार्बन ही है ना जो इस कायरल कार्बन के साथ जुड़ा है वो क्या है कार्बन ही है ना उस कार्बन के बाद फिर ब्रोमीन क्लोरीन इथाइल वगैरह है वो तो बाद में है पहले क्या है पहले कार्बन ही है तो फिर बताओ एक में ऑक्सीजन दो में कार्बन तो किसको मिलेगी हाइस्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को वो तो हो गया अब आपके पास बचा एक मिथाइल और ये ये जो नीचे जो ग्रुप है जो काफी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है आप दोनों में डिसाइड कर लो दोनों में पहला एटम कार्बन है फिर आप दूसरा देखो दूसरे पर इजीली डिसाइड हो गया दूसरे पर मिथाइल में तो मिथाइल में तो हाइड्रोजन ही सिर्फ था यहां पर तो ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी है तो इसको मिलेगा नंबर टू अब यहाँ पर यहां पर पता क्या होता है? यहां पर अगर गलती आपसे होगी वो ये है कि आप सोचोगे नहीं ब्रोमीन है तो इसको नंबर वन दे दे नहीं ब्रोमीन पहले एटम पहली पोजिशन पर नहीं है पहली पोजिशन पर कार्बन है तो पहला कंपेरिजन हमेशा पहले पोजिशन पर होगा हाँ, जब पहली पोजीशन पर सिमिलर एटम्स होंगे तब आपने दूसरी पोजीशन पे जाना है तो पहली पोजीशन के हिसाब से तो ओ एच आ गया नंबर वन फिर नंबर टू पे आ गया ये बॉटम वाला ग्रुप और नंबर थ्री पे आ गया कौन नंबर थ्री पे आ गया मिथाइल ग्रुप और नंबर फोर पे तो एच है अब आप मुझे बताओ इस कैरल कार्बन नंबर वन के ऊपर क्या कंफिग्रेशन है हा बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही पहले हम वन से टू गए ऐसे फिर टू से थ्री ऐसे तो ये तो क्लाक बना क्लाक का मतलब आर आ गया लेकिन आर ओरिजिनल कन्फिगरेशन नहीं है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ओरिजिनल कन्फिगरेशन एस मिल गई क्यों ऐसा हमने क्यों किया बिकॉज द लोएस्ट हाँ बिल्कुल लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड तो हमें क्या मिला uh, कैरल कार्बन नंबर वन पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कारल कार्बन नंबर वन पे हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिली एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके अब हमने दूसरे कारल कार्बन पर ये जो नंबर जिसको मैंने लेबल किया था उस पर अब हम कन्फिग्रेशन निकालेंगे अब मैं सेकेंड कारल कार्बन को यहां पर ड्रा कर लूंगा ये रहा हमारा सेकेंड कारल कार्बन ये इस पर देखो जरा राइट साइड पर इसके क्या है ब्रोमीन ठीक है ना मैं अब खाली सेकंड कारियल कार्बन को कंसिडर कर रहा हूँ उसके राइट साइड पर ब्रोमीन लेफ्ट साइड पर क्या है क्लोरीन बॉटम पर क्या है C2H5, और टॉप पर क्या है टॉप पर अब देखो पहले एक कार्बन है उसके साथ हाँ बिल्कुल उसके साथ ओ OH एच है उसके साथ एच बी है उसके साथ सी एच थ्री बी है ये पूरा ग्रुप आ गया इसके टॉप पोजीशन पर अब आपके पास ये चार ग्रुप्स हैं बाकियों को भी मैं जरा सर्कल कर लेता हूं इन चार ग्रुप्स को अब मुझे बताओ इन चार ग्रुप्स में से नंबर वन पे कौन आ रहा है नंबर वन पे आ जाएगा ब्रोमीन, यस बिल्कुल सही ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसके बाद उसके बाद उसके बाद, उसके बाद क्लोरीन, ठीक नंबर थ्री पे बताओ टॉप और बॉटम वाले हाँ टॉप और बॉटम वाले में पहला एटम तो दोनों में कार्बन है है ना फिर आप क्या करेंगे कार्बन के बाद जो नेक्स्ट है तो देखो टॉप वाले ग्रुप में कार्बन के बाद नंबर टू पे ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है और बॉटम वाले ग्रुप पे एक कार्बन के बाद सिर्फ एक कार्बन और होगा C2H5 में दो कार्बन है ना तो एक कार्बन तो डायरेक्टली अटैच है कारल कार्बन के साथ उसके बाद नेक्स्ट एक और कार्बन है लेकिन वो वो कार्बन है टॉप वाले ग्रुप में कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन वाले केस को लेकर आप उसको Uh, कौन सी प्रायोरिटी देंगे नंबर थ्री और इथाइल ग्रुप को मिलेगा नंबर फोर अब देख लो जरा इसमें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर है वो बॉटम पर है ठीक है ना बॉटम पर है अब आप क्या करेंगे से थ्री से, 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 से यहां वापस वन यस आर कन्फिगुरेशन क्लॉकवाइज आ रहा है आर कन्फिगुरेशन और ये आर ओरिजिनल है. है ना आर हाँ इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नंबर फोर ग्रुप पर है वो बॉटम पर है तो इसका मतलब हुआ कि अब मैं यहाँ पर जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था हमारा यहाँ पर इसमें इस नंबर टू को अब मैं लिखूंगा आर तो देखो जरा एक मॉलिक्यूल मैंने लिया था जिसमें दो कारल कार्बन थे पहले कारल कार्बन पर कंफिग्रेशन एस और दूसरे कारल कार्बन पर कंफिगुरेशन आर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर एस हो ऐसा भी हो सकता है दोनों पर आर हो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर एस हो और एक पर आर हो सब कुछ पॉसिबल है वो तो सब रिलेटिव अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा आई होप कि आर और एस आपको अच्छे समझ समझ आ गया ठीक है अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं कि एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया है बताओ जी इसमें क्या है और ऑप्शन भी इसमें बनती है जैसे ऑप्शन आ जाएगा वन आर टू आर ये पहली ऑप्शन दूसरी ऑप्शन वन एस टू एस अब ये वन एस टू एस वो ऑर्बिटल नहीं मान लेना ये वन और टू कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन एस टू एस उसके बाद वन आर टू एस और चौथी ऑप्शन वन एस टू आर जैसे इस इस कंपाउंड के मुताबिक वन एस टू आर है, है ना वन पे एस और टू पे आर ये है ना इसके मुताबिक ये बनता है आंसर चले आगे। अच्छा, अब जो मैं आपको इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपिटेटिव एग्जाम के हिसाब से है वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इन का बताया था ना इनशियो मर्स क्या होते हैं याद है आपको तब पढ़ा था हमने यस दीज आर द दिस आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ अदर इशमर्स आर द ऑप्टिकल विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर जैसे हम डी ग्लिसरल डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड देखते हैं ये दोनों क्या है दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है हम इस तरह से बनाते हैं ना, सी एच ओ फिर यहां पर आ गया सी एच टू ओ एच फिर ओ OH एच आ गया राइट साइड पर यह आ गया डी ग्लिसरल फिर इसी को जब हम मिरर में देखेंगे इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे तो वो मिरर हाँ बिल्कुल मिरर इमेज ओ एच लेफ्ट साइड पर आ जाता है एच राइट साइड पर आ जाता है और ये क्या बन गया ये बन गया एल ग्लिसरल डिहाइड तो ये दोनों क्या है ये दोनों ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है और दोनों में से दोनों में से ये जो डी ग्लिसरल डिहाइड है इट हैज बीन फाउंड टू बी डी डी अब मैं यहां पर स्मॉल डी लिख रहा हूं स्मॉल डी या जिसको हम प्लस भी लिखते हैं मतलब डेक्सटो रोटेटरी और ये हाँ यस स्मॉल डी रिप्रेजेंट डेक्सटो रोटेटरी मीन्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को हाँ तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो एल ग्लिस्टल डिहाइट जो है इट बीन फाउंड टू बी स्मॉल आर माइनस दैट इज लिवो रोटेटरी तो देखो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं डी ग्लिसरल डिहाइड और एल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ग्लिस और वो क्या करते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एक क्लॉकवाइज में दूसरा एंटी क्लॉक में और स्ट्रक्चर के हिसाब से इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन कैसी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस वैसे भी अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज़ नहीं हो सकते लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते ये हो गए इनमर्स इस फिन को जिसमें एक कंपाउंड दो आइसोमर्स में आप अपना सिग्नल चेक कर लो क्योंकि मेरा सिग्नल तो ठीक है यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ मेरा सिग्नल ठीक है इसमें कोई ट्रबल नहीं है क्योंकि अगर मेरा सिग्नल वीक होता है तो यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाती है वो यहाँ पर दिखा देता है अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्शन लेकिन मेरा कनेक्शन तो ठीक बता रहा है ठीक है तो मैं क्या बता रहा था मैं इनैंशियल मेरिजम बता रहा था इनशोमेरिज्म का मतलब है ये फिनोमिन जिसमें एक सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल डिफरेंट आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाता है और वो आइसोमर्स एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं उस फिनोमिन को हम कहते हैं इनशोमेरिज्म ये इनशोमर वर्ड कहाँ से निकला है ये बताया था मैंने आपको उस दिन कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन में इनशो का मतलब क्या होता है हाँ इनेंशो का मतलब होता है अपोजिट और मिरोस का मतलब होता है पार्ट्स अपोजिट हाँ बिल्कुल अपोजिट पार्ट्स ओपोजिट पार्ट का मतलब है कि मिरर इमेजेस है लेकिन अपोजिट है इसलिए वो सुपर इम्पोज नहीं होते अगर वो अपोजिट नहीं होते तो फिर अगर वो सिमिलर हो जाते अगर मिरर इमेजेस आइडेंटिकल हो जाए तो फिर तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो उस केस में हम इनेंशो नहीं कहेंगे ठीक है अब देखो नेचर में जब नेचर में जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है तो वो अक्सर एक आइसोमर में पाया जाता है मतलब नेचर से आप हासिल करेंगे हो सकता है आपको डी खाली डी ग्लिस्रल डिहाइड मिले या हो सकता है आपको खाली एल ग्लिसरल डिहाइड मिले अगर आपको डी ग्लिसरल डिहाइड मिला तो वो तो डेक्सरो रोटेटरी होगा और अगर आपको एल ग्लिसरल डिहाइड मिला तो वो क्या होगा वो लिवर रोटेटरी होगा लेकिन सपोज आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें डी ग्लिसरल भी है और एल भी है मिक्सचर ऑफ डी एंड एल ग्लिस और ये दोनों इक्वल अमाउंट में है 50% परसेंट डी और 50% परसेंट एल तो अब मुझे बताओ ये जो मिक्सचर होगा इस मिक्सचर के थ्रू अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे व्हाट विल यस? नहीं पास तो वैसे भी करेगी लेकिन रोटेशन कैंसल आउट हो जाएगी ठीक है हाँ बिल्कुल रोटेशन कैंसिल हो जाएगी रोटेशन ऑफ प्लेन पोरराइज लाइट कैंसल आउट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपके पास डी और एल ग्लिस्टर डिहाइड आप जानते हैं डी ग्लिस्टरलहाइड इज डेक्सटो रोटेट्री ऑल्सो स्मॉल डी भी है ये एंड एल गल डिहाइड इज लिवो रोटेटरी इसका मतलब है आपके पास 50% परसेंट एक इनश्योमर है और 50% परसेंट दूसरा इनश्योमर है ये इक्वल क्वान्टिटी में प्रेजेंट है अब आप इन दोनों का सोल्यूशन बनाओ और उस सॉल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास करो तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये दोनों ये दोनों उसको करेंगे, डी बी और एल बी उसको रोटेट करेंगे लेकिन 50% परसेंट जो डी है दैट विल रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और बाकी का 50% परसेंट एंटी क्लॉकवाइज में नेट रिजल्ट क्या होगा नेट रिजल्ट होगा कैंसिलेशन क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो डेक्सटो और लिवो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं वो लाइट को इक्वली रोटेट करते हैं मतलब जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो इक्वल होता है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है तो अगर मान लो अगर डी आइसोमर ने मतलब डेक्सटो रोटेटरी आइसोमर ने अगर टेन डिग्री टेन डिग्री रोटेट किया टर्ड्स राइट right और क्लॉकवाइज और एल आईसोमर ने भी टेन डिग्री ही रोटेट किया लेकिन किस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में तो ये ये दोनों जो रोटेशन है टेन डिग्री राइट और टेन डिग्री लेफ्ट यह आपस में कैंसल हो जाएंगे और नेट रोटेशन कितना हो जाएगा नेट रोटेशन हो जाएगा जीरो मतलब ओवरऑल हम देखेंगे कि इस मिक्सचर ने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ही नहीं किया अब मुझे बताओ दिस मिक्सचर दिस इनेंशियोमेरिक मिक्सचर इज दिस इन्हेंशियोमेरिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहें कि इनेक्टिव कहें दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स थे वो दोनों एक्टिव थे रिमेंबर द टू कंपोनेंट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन द मिक्सचर एज ए होल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और वो किस वजह से हो रहा है वो कैंसिलेशन की वजह से हो रहा है इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर और इस मिक्सचर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी एल या प्लस माइनस क्योंकि इसमें डी और एल दोनों है ना डेक्सोरिटेटरी भी है रोटेटरी भी है तो हम इसको लिखेंगे डीएल या हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस क्योंकि प्लस माइनस भी इसी का सिंबल है डेक्सट्रो और लेवोरोटेटरी का सो so, रेसिमिक मिक्सचर व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर बताइए व्हाट इज रेसिमिक यस yes. हाँ बिल्कुल रेसिमिक मिक्सचर होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% एक एनैन्शियोमर हो और 50% दूसरा एनैन्शियोमर हो इन व्हिच बोथ द एनैन्शियोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटीज 50-50 क्वांटिटीज -50 में है सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है और ऑप्टिकली इनेक्टिव क्यों होता है बिकॉज द रोटेशन ड्यू टू द हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज कैंसल्ड बाई द अदर हाफ ठीक है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन किसको कहते हैं कंपनसेशन? ये जो कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन हो जाता है ना कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन जो हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से कैंसिल हो रहा है इट इज कॉल्ड कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये पॉइंट क्लियर है अगर किसी पॉइंट पर किसी को कोई शक हो तो पूछ लेना चले आगे अच्छा एक और केस मैं आपको दे देता हूं टार्टारिक एसिड कभी इसके बारे में सुना है टार्टारिक एसिड क्या होता है नाम सुना है कभी टार्टारिक एसिड का किसी को स्ट्रक्चर तो नहीं है याद ये रहा टार्टारिक एसिड मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है और मैंने ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बनाया है देखो जरा इसमें कारल कार्बन कितने हैं दो कारल कार्बन है अच्छा टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें टाटारिक एसिड में टोटल चार है ठीक है अगर हम इसका आई नेम देना चाहें हाँ ब्यूट तो होगा आप ब्यूट तो आपने खाली वर्ड रूट बताया पूरा नाम बताओ ना चलो आप टाइम लगाओगे मैं बता देता हूँ आप सिर्फ देखो कैसे हम दे रहे नाम जब हमने आई यू नेमिंग करनी है तो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से वन टू थ्री और फोर हम हम अपोजिट डायरेक्शन में भी नंबरिंग कर सकते थे अगर मैं यहाँ बॉटम से नंबरिंग करता तब भी ठीक था यस टू थ्री अरे दो है ना हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओक एसिड दो ग्रुप्स है ना वन और फोर पे है वो वन और फोर यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है ब्यूटेन हम लिख सकते हैं ब्यूटेन वन फोर डायओिक एसिड ये इसका आईयूपीएसी नेम है लेकिन कॉमनली इसको हम टार्टारिक एसिड कहते हैं अब इसमें जरा देखो आप कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री इसमें दोनों कायरल कार्बन एटम्स है क्योंकि आप देखो कायरल कार्बन होता है जिसके ऊपर चार डिफरेंट ग्रुप्स हो अगर आप कार्बन नंबर टू पर देखेंगे उस पर भी चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं कार्बन नंबर थ्री पर भी चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं अब आपने बताना है कि कार्बन नंबर टू पे और थ्री पे क्या कन्फिग्रेशन है आपको मैं आर और एस के टर्म्स में पूछ रहा हूँ बताइए कार्बन नंबर टू पे क्या कन्फिग्रेशन लग रही है आपको कार्बन नंबर टू पे कॉन्फ़िगरेशन जरा जल्दी करो जैसे अभी मैंने ऊपर किया था ना वो कर रहे हो क्या ऐसे वेट कर रहे हो कि मैं बताऊंगा कार्बन नंबर टू की बात कर रहे हो ना कार्बन नंबर टू पर चलो कुछ लोग आर कुछ लोग आर कह रहे हैं, कुछ... अच्छा पहले मुझे आप ये चीज बताओ ये जो कार्बन नंबर टू है ना इस पर इस पर आपके चार ग्रुप्स हैं एक तो एक तो ओ एच OH ग्रुप है एक सीओ ओ एच है एक एच है और एक ये बॉटम पर जो ग्रुप है बड़ा ग्रुप आप मुझे बताओ नंबर वन आपने किसको दिया नंबर वन किसको दिया नंबर वन ओ एच को मिला ठीक है बिल्कुल ठीक मैं यहाँ पर नीचे जो मैं बना रहा हूँ इसको जरा देखना मैं ठीक बना रहा हूँ ओ OH एच को अरे ओ OH एच को मैंने नंबर वन दे दिया अब मैंने ओ एच लिखा ना मैं सीधा नंबर वन लिख दिया ठीक है ना ओ ओ एच हाँ ओ एच आ गया ना वन अब मुझे बताओ नंबर टू नंबर टू किसको दिया आपने किसको किसको यस सी ओ एच को यस सी ओ एच जो टॉप पर है ग्रुप उसको नंबर टू दिया आपने बिल्कुल सही और जो बॉटम बाट, बॉटम पर जो ग्रुप है ना उसको दे दिया हमने नंबर थ्री और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेचारा मजलूम इंसान इसको हमेशा नंबर चार मिलता है बेचारे को अच्छा मुझे ये बताओ टॉप वाले ग्रुप को आपने टू दिया बॉटम को थ्री दिया उसकी वजह क्या थी देखो सबसे पहले तो टॉप वाले ग्रुप में भी पहला एटम कार्बन था बॉटम वाले ग्रुप में भी पहला एटम कार्बन था वो तो ठीक है फिर आपने दूसरा एटम देखा होगा दूसरा एटम वहां पर क्या था ऊपर टॉप वाले ग्रुप में एक ऑक्सीजन नहीं दो ऑक्सीजन थे ये जो तो दो ऑक्सीजन है दोनों हाँ ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़े हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये दोनों ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े हैं और और एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है और डबल बा, डबल बॉन्ड को तो आपने हाँ बिल्कुल आपने यहाँ पर जैसे तीन ऑक्सीजन एज्यूम किए और जो बॉटम पर कार्बन था उस कार्बन के साथ तो एक ही ऑक्सीजन जुड़ा था एक तरफ तीन ऑक्सीजन एक तरफ एक ऑक्सीजन तो क्लियरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही नंबर टू मिलना था चलो वो तो ठीक है हाँ अब आपने क्या किया उसके बाद अब देखो इसमें आपने वन से टू टू से थ्री देखा वन से टू टू से थ्री थ्री से वापस वन क्या मिला एंटी क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज में एंटी क्लाक वाइज में अरे पहले ये तो बताओ ना हाँ हाँ एंटी क्लाक वाइज में एस फिर हमने उस एस को चेंज करना है क्योंकि एस जो है इसकी ओरिजिनल नहीं है क्योंकि क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो था वो लेफ्ट साइड पर था इसलिए हमने इसको चेंज किया और अगर हमें एस मिला था तो हम इसको क्या मानेंगे अब आर मतलब सेकेंड कार्बन पे हमें क्या मिला आर फिर जरा थर्ड कार्बन का बताओ ओहो कहीं से खाने की खुशबू आ रही है मुझे भूख लगने लगी बोलो भाई जल्दी इससे पहले कि मैं भूख से पागल हो जाऊं जल्दी बोलो <laughs> हाँ जल्दी बताओ कार्बन नंबर थ्री पर क्या कंफिग्रेशन होगी ऐसे क्लॉकवाइज कैसे क्लॉकवाइज मुझे ओरिजिनली और आर्टिफिशियली नहीं चाहिए मुझे एग्जैक्ट बताओ फाइनल आंसर हाँ आर होगी यस नंबर थ्री पर भी आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है नंबर थ्री पर भी आर देखो जो थर्ड कार्बन है उसके राइट right साइड पर एच है लेफ्ट साइड पर ओ OH एच है बॉटम पर सी ओ ओ एच है और टॉप पर टॉप पर वो बड़ा ग्रुप है उसको मैं अब मैं वो ग्रुप यहाँ पर बनाऊंगा नहीं मेरे पास जगह नहीं है मैं उसको ऐसे रख लेता हूँ वो आपको पता है कौन सा ग्रुप है बल्कि मुझे ऐसा भी नहीं करना था मुझे तो इनको सीधा प्रायोरिटी वाइज लिखना था इस ओ एच ग्रुप को मैं इनको मिटा देता हूँ जरा अब मुझे बताओ ये जो कार्बन नंबर थ्री है इसके ऊपर जो राइट right साइड पर क्या है इसके ऊपर एच है ना देख रहे हो आप आ, उसको क्या प्रायोरिटी मिलेगी नंबर फोर और ओ OH ग्रुप है लेफ्ट साइड पर उसको तो नंबर वन मिल रहा है अच्छा जो बॉटम पर ग्रुप है सी ओ ओ एच उसको क्या मिलेगा टू और जो टॉप पर ग्रुप है टॉप वाला ग्रुप जो है वो बड़ा ग्रुप तो उसको क्या मिल रहा है उसको मिल रहा है थ्री इसमें एक और चीज का ध्यान रखना कहीं बड़ा ग्रुप आप देख लो तो उसको आंखें बंद करके कहीं हायर प्रायोरिटी नहीं दे देना यहाँ पर ग्रुप के साइज़ की बेसिस पर प्रायोरिटी नहीं मिलती बल्कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पर मिलती है अच्छा अब मुझे बताओ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ गया राइट साइड पर अब हम क्या करेंगे वन से टू टू से थ्री ये रहे वन से टू टू से थ्री फिर थ्री से फिर वापस कैसा कैसा रोटेशन हुआ ये एंटी क्लाक वाइज मतलब एस एंटी क्लाक वाइज मतलब एस लेकिन क्या एस ओरिजिनल है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था वो राइट right साइड पर था तो हमने इस एस को चेंज करना है और चेंज करके क्या मिला आर सो आर इज द ओरिजिनल दिनलगुरेशन ठीक है एस इज नॉट द द ओरिजिनल ओरिजिनल आर इज दिनलगुरेशन तो इस एसिड का जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बनाया था इसमें टू आर थ्री आर मतलब दोनों कायरल कार्बन पर कन्फिगरेशन आर है सेम आर कन्फिग्रेशन है देखो जब हमने कहा ना दोनों पर आर है इसका मतलब है अच्छे से सुनो इसका मतलब है कि अरे म्यूट कर लो म्यूट कर लो शोर आ रहा है अगर दोनों कार्बन पर कंफिग्रेशन आर है इसका मतलब ये दोनों कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं एक ही डायरेक्शन में समझे आप दिस टार्टारिक एसिड कंटेन्स टू कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर थ्री बोथ आर कायरल

क्लियर है बात अच्छा ये तो हो गया टार्टारिक एसिड का एक स्टीरियो आइसोमर मैं कहूंगा आप स्टीरियो आइसोमर क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो उसी की टाइप है अब मुझे बताओ इसका मैं एक मिरर इमेज बना लेता हूं इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी देख लो जरा इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पर आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉटम पर भी होगा अब मुझे बताओ कार्बन नंबर टू के ऊपर ओ OH एच किस तरफ होगा ओ OH एच होगा लेफ्ट साइड पर और एच होगा राइट right साइड पर कार्बन नंबर थ्री पर बताओ हाँ ओ OH एच होगा राइट right साइड पर एच होगा लेफ्ट साइड पर अब मुझे एक चीज बताओ अच्छा पहले मैं इसको फिर से वो नंबरिंग दे देता हूं ना ये आ गया वन ये आ गया टू ये आ गया थ्री ये आ गया फोर अब मुझे बताओ आर एस के हिसाब से हमने टू और थ्री को देना है ना आर एस बताओ टू को क्या मिलेगा अब अब आप वो स्ट्रक्चर बना के आर एस कैलकुलेट मत करो आप देखो हमने मिरर इमेज बनाई है बिल्कुल टू पर एस होगा हाँ बिल्कुल टू को भी एस और थ्री को भी एस हाँ बिल्कुल दोनों को एस टू एस थ्री एस ऐसा हमने क्यों कहा क्योंकि जब किसी सब्सटेंस की मिरर इमेज बनती है तो अरेंजमेंट उलट हो जाता है मिरर इमेज में अरेंज बिल्कुल क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेज बन जाएंगे ना तो टू एस और थ्री एस बन गया मतलब यह हुआ कि यहां पर जो दो कारल कार्बन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे करेंगे ना दोनों ऐसे तो अगर ये जो पहला कंपाउंड था अब इनको मैं इन दो कंपाउंड्स को मैं ऐसे लिखूंगा इसको मैं रखूंगा वन इसको मैं नाम रखूंगा टू अगर अगर पहला कंपाउंड या पहला आइसोमर अगर डेक्सटो रोटेटरी है तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा लीवो रोटेटरी और अगर पहला कंपाउंड लीवो है तो दूसरा क्या होगा डेक्सटोर होगा ये जो वन और टू मैंने लिखा दीज आर ऑफ़ ईच अदर इन क्यों है इनश्योम बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर आप ये कैसे बता रहे हो कि ये नॉन सुपर है आपने उठाकर देखा हाँ उठाकर तो नहीं देखा ऐसे सोच के हाँ अगर हम इसको सुपर इम्पोज़ करते हैं तो नहीं होगा सुपर इम्पोज़ देखो ना अगर आप सेकंड मॉलिक्यूल को उठाकर फर्स्ट के ऊपर रख दो वन टू थ्री फोर जो है ना चार एटम्स ये तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे देखो जरा गौर से देखो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर अगर इनको आप उठा के रख दोगे तो ये पूरा सुपर इम्पोज़ हो जाएंगे लेकिन ये जो एच और ओ OH एच ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे नहीं ना होंगे देखो एच के ऊपर ओ OH एच आ जाएगा और ओ OH एच के ऊपर एच आ जाएगा तो मतलब ये सुपर नहीं हुआ अब एक काम करो इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दो सेकेंड मॉलिक्यूल को जरा रोटेट कर दो ऐसे ना मतलब घुमाओ इसको अपसाइड डाउन कर दो अपसाइड डाउन करके जरा इसके ऊपर रख दो फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर कर सकते हो टाटा एसिड हाँ इस, इस मार क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कैसे अरे कैसे इसको ऐसे रोटेट करना है ऐसे रोटेट करना है 180 डिग्री पर इसको अगर आप 180 डिग्री पर रोटेट करते हो ना ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा है देखो अच्छे से ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा कोई चेंज नहीं हाँ बिल्कुल अच्छा आप आप इसको फ्लिप कर रहे थे मैं मैं फ्लिप करने की मैं करने की की नहीं बोल रहा था रोटेट बात हाँ बिल्कुल आपने आ, इसने कहा ना जाकिर ने कहा ना कि मैंने फ्लिप किया था फ्लिप नहीं करना है रोटेट करना है मैंने आपको एंगल भी बता दिया ये जो मैंने जो डायरेक्शन बता दी इस तरह से आपने तो रोटेट करना है आप इसको ऐसे उठा के मतलब फुल जैसे फुलकी को आप एक साइड से उठा के दूसरी साइड कर देते हो ना वो फ्लिप कर देते वैसे नहीं करना है हाँ ठीक है तो ये एसिड के हमने दो आइसोमर्स बनाए इसके दो और बनते हैं एक मिनट मैं आप थोड़ा सा इसको क्योंकि यहाँ पर जम्बलिंग ज्यादा होगी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छा आप देखो अब मैं टार्टारिक एसिड का एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं ये देखो ठीक है ये वन ये टू ये थ्री और ये फोर ज्यादा छोटा तो नहीं बना सकते थोड़ा बड़ा करके बनाऊ ठीक है चलो फिर इसमें आप मुझे बताओ अब के कार्बन नंबर टू पे और थ्री पे क्या कंफिग्रेशन है देखो जरा इसको अलग से करने की जरूरत नहीं आप ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर नंबर वन बनाया था ना स्ट्रक्चर नंबर वन में जो सेकंड कार्बन था वो बिल्कुल ऐसा है ना जैसे यहां पर है अरेंजमेंट के हिसाब से बता रहा हूं मैं स्ट्रक्चर नंबर वन में जरा आप कार्बन नंबर टू को देखो बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट था ओ एच राइट साइड पर था एच लेफ्ट साइड पर था कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पर था और बॉटम पर यह ग्रुप था बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट था तो मुझे बताओ इसमें कार्बन नंबर टू पर क्या कंफिग्रेशन आ रही है कार्बन नंबर टू पर अरे एस कहा आ गया फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो ना इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो इस, इसमें कार्बन नंबर टू पर क्या कंफिग्रेशन थी आर थी ना तो यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर नंबर थ्री अब बताया इसमें भी तो सेकंड कार्बन वैसे ही है तो टू पर आर आ रहा गया अब जरा थर्ड को देखो थर्ड कार्बन पर जो अरेंजमेंट है वो फर्स्ट के जैसा नहीं है बल्कि वो सेकंड स्ट्रक्चर के जैसा है तो फिर थर्ड कार्बन पे आ गया एस तो ये बन गया टू आर थ्री एस ओके टू आर थ्री एस अब जरा एक चीज मुझे बताओ आ, सेकेंड कार्बन पर आर और थर्ड कार्बन पर एस ये दोनों कारल कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में ये बताओ मुझे ये दोनों अपोजिट में करेंगे क्यों क्योंकि सेकेंड कार्बन पर सेकेंड जो कारल कार्बन है उस पर आर और थर्ड पर एस तो ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ये रिमेंबर ये एक ही मॉलिक्यूल है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल कार्बन है एक कायरल कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है दूसरा कायरल कार्बन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है अब देखना यह है कि क्या यह दोनों कायरल कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली रोटेट करेंगे या इक्वली करेंगे या नहीं करेंगे वो कैसे डिसाइड करोगे आप देखो सेकंड कार्बन के ऊपर जो चार ग्रुप थे क्या वही चार ग्रुप थर्ड कार्बन के ऊपर भी है बिल्कुल बिल्कुल सेम ग्रुप है सेकंड कार्यल कार्बन के ऊपर देखो सेकंड के ऊपर एक ओ है थर्ड के ऊपर भी ओ है सेकंड पर एच है तो थर्ड पर भी एच है सेकंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो थर्ड पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सेकंड पर वो बड़ा ग्रुप है बड़ा और थर्ड पर भी वही ग्रुप है बिल्कुल है कि नहीं पता चल रहा है मैं किस बड़े ग्रुप की बात करूँ वो सीओ एच सी ओ एच मिलाकर इसका मतलब है कि ये जो दो कार्यल कार्बन है ये दो कार्यल कार्बन आइडेंटिकल है बिल्कुल आइडेंटिकल है मतलब ये हुआ कि जितना प्लेन पोलराइज लाइट को सेकेंड कार्बन रोटेट करेगा सेकेंड कारियल कार्बन उतना ही थर्ड भी रोटेट करेगा और हमने ये भी देखा कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ये कैंसल हो जाएगा बिल्कुल कैंसल हो जाएगा कैंसल आउट ये हो गया कैंसिल आउट मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनेक्टिव बन गया यस नेट रोटेशन जीरो हो गया विद इन द मॉलिक्यूल ही कैंसिलेशन हो गया अभी मैंने आपको रेसिमिक मिक्सचर में भी कहा था कैंसिलेशन टेक्स प्लेस लेकिन वहां पर मैंने कहा था एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से कैंसिल हो जाता है और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं विद इन द मॉलिक्यूल आधा मॉलिक्यूल एक तरफ आधा मॉलिक्यूल उसके अपोजिट और दोनों का कैंसिलेशन इसको हम इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं दिस कॉल्ड इंटरनल और ये कंपाउंड ऑप्टिकली इन बन गया देखो अब मजेदार चीज ये है कि इस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है लेकिन उसके बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया अब इसकी असल वजह जानने की कोशिश करेंगे हम कि ऐसा क्यों हो गया ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप इसकी मिररर इमेज बनाएंगे ना आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं जरा ये देखो मिरर इमेज इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पर ग्रुप बॉटम पर ओ OH एच आ जाएंगे अब दोनों लेफ्ट साइड पर और एच आ जाएगा राइट right साइड पर मुझे बताओ ये जो थर्ड अब मैं इसको जरा नंबर फोर लिख देता हूं हालांकि नंबर फोर है ही नहीं पहले आप बताओ मुझे क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं कि नहीं नहीं हो रहे अब जरा ऐसे रोटेट रोटेट करके, करके ऐसे करके 180 डिग्री पर फिर जरा करके देख लो हो जाएगा अब हो जाएगा ना क्योंकि जब मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करता हूं तो दोनों ओ एच राइट साइड पर आ जाएंगे और दोनों एच लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे ठीक है वन डिग्री पर ये रहा वन एटी डिग्री पर इसको रोटेट किया और इसको अब आप आ, फोर्थ को थर्ड के ऊपर रख दो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा और हम अभी तक कई बार पढ़ चुके हैं कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज हो जाए इसका मतलब वो दोनों नहीं पहली ये है कि वो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है ही नहीं दीज टू आर द सेम कंपाउंड ठीक है दीज आर वन एंड वन एंड द सेम कंपाउंड तो जब ये सेम है तो फिर तो सुपर इंपोज होना ही था और जब जब जब, जब ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो रहे हैं मतलब ये कायरल नहीं है ये मॉलिक्यूल कार इसमें कारल कार्बन मौजूद है रिमेंबर दो कारल कार्बन मौजूद है लेकिन ये मॉलिक्यूल एज ए होल कार नहीं है इसलिए ये ऑप्टिकली इनेक्टिव हो गया ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा ठीक है और और इसकी वजह आपको समझ आ रही होगी देखो जो फर्स, जो फर्स्ट 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 स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उसमें दोनों कारलकार की कंफिग्रेशन सेम थी मतलब दोनों कारल कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे और सेकंड कार्ब सेकंड जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसमें भी दोनों रोटेट कर रहे थे एक ही डायरेक्शन में तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो तो रोटेशन होगा लेकिन इस थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे इसमें दो कार्बन रोटेट तो कर रहे थे प्लेन पोलराइज लाइट को लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके नेट रोटेशन को जीरो कर दिया जिसको हमने नाम दिया इंटरनल कंपेसन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कारियल कार्बन तो हो लेकिन इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाए ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे मीजो कंपाउंड और इसके लिए शर्त यह है कि जो दो कार्बन है वो आइडेंटिकल होने चाहिए टार्टारिक एसिड इसलिए बड़ी स्पेशल एग्जांपल है इसमें दो कारल कार्बन है कंपाउंड में और दोनों आइडेंटिकल है नंबर ऑफ ये जो ग्रुप्स जो चार जुड़े हैं उनके हिसाब से ये आइडेंटिकल है अच्छा एक और पॉइंट आपको मैंने कल बताया था ना कि एक कंपाउंड नॉन सुपर इम, ये सुपर इम्पोजेबल कब होता है अपनी मिरर इमेज पर बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री हम बात कर रहे थे जरा इसमें देखो इस मीजो कंपाउंड में मैं ये मीजो कंपाउंड यहां पर फिर से बना रहा हूं जल्दी जल्दी जरा टाइम हो गया है चलो ये मैंने मिजो कंपाउंड बनाया इसमें अब मैं एक ये देखो ये मैंने एक प्लेन इसमें से पास किया मुझे बताओ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल और अपोजिट हाफ्स में डिवाइड कर रहा है बिल्कुल कर रहा है इस इस प्लेन के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है ना ये एक दूसरे की मिरर इमेज है।, है ना तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है और मैंने क्या कहा था कायरल होने के लिए क्या कंडीशन है होना चाहिए था तो चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है इस वजह से यह मॉलिक्यूल कायरल नहीं है दिस मॉलिक्यूल इज ए तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए वट इज मिजो कंपाउंड जिनमें एक कायरल कार्बन नहीं एक से ज्यादा कायरल कार्बन एक से ज्यादा कायरल कार्बन है बट स्टिल द कंपाउंड इज ऑप्टिकली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री प्लेन ऑफ सिमिट्री है इस वजह से ये एक कायरल कायरल हो गया है अदरवाइज इसमें कार्बन मौजूद थे अच्छा एक चीज और आप नोट करो अगर एक मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होगा एक सिंगल कायरल कार्बन वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ठीक है वो कभी भी ऑप्टिकली इन नहीं हो सकता अगर एक कारल कार्बन मौजूद है और अगर एक से ज्यादा कारियल कार्बन मौजूद है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा कि उसमें प्लेन ऑफ मौजूद है और ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा जब उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री ना हो ठीक है चलो इन कंसेप्ट के बारे में नेक्स्ट टाइम थोड़ी और बात करेंगे फिर हम आगे चलेंगे असल में जो असल पार्ट है जो एग्जाम आपके एग्जाम में आने वाले पार्ट है इसके प्रॉपर्टीज वाला पार्ट वो तो हम उस पर हम अभी पहुंचे नहीं अभी हम आ, कितने दिन हो गए हमें इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए आज तीसरा दिन था